राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने उसकी सगाई टूटने के चलते छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पीछे का कारण युवती ने सगाई तोड़ने वाले युवक को ठहराया। आत्महत्या करने से पहले युवती ने सगाई तोड़ने वाले युवक को मैसेज किया और उससे ही जिम्मेदार बताया। गौतम नगर इलाके में एक युवती ने सगाई टूटने से खफा होकर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल जिस युवक से युवती की सगाई हुई थी, उस युवक के पास किसी अज्ञात नंबर से ये मैसेज आया कि युवती से उसका रिश्ता है, जिसके बाद युवक ने युवती से सगाई तोड़ दी। सगाई टूटने के बाद युवती काफी परेशान रहने लगी और परेशान होकर उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवती ने सगाई तोड़ने वाले युवक को एक मैसेज लिखा और उस मैसेज में उसे अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। मामले में पुलिस द्वारा जब मर्ग जांच की गई तो एक सुसाइड नोट पुलिस को मिला था और सुसाइड नोट का वेरिफिकेशन पे जो तथ्य मृतिका ने उसमें लिखे थे, जिसमें सगाई जो है टूटने की बात पर ये कदम उसके द्वारा उठाया गया है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का इसमें मामला दर्ज किया है और विवेचना जारी है। सर, इसके अंदर अज्ञात व्यक्ति ने जो है जिस उसका जो फियांसी था उसको मैसेज किया था, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? अभी विवेचना का विषय है कि जिस प्रकार के साक्ष्य विवेचना में आते हैं, प्रथम दृष्टया जो सुसाइड नोट में लिखा रहता है उसका वेरिफिकेशन पश्चात उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। विवेचना में अगर ये आता है कि कोई अन्य लोगों का भी इसमें अबेटमेंट या भूमिका रही है तो उस पर साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाती है।